तो मैंने एप्पल खा लिया है, ये रहा प्रूफ। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चैनल। तो निकल रहा हूँ अभी जिम के लिए, आज मैं 10 मिनट लेट हूँ यार। आज काफी लेट हो गया, 10 से भी 15-20 मिनट लेट हूँ अभी। द ग्रेट 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 सौरव जी जॉगिंग कर रहे हैं। हेलो सर, बिग फैन। ये लाइट कल भी ऐसी स्पार्क कर रही थी और आज भी ऐसी स्पार्क कर रही है, किसी ने इसे फिक्स नहीं किया अब तक, ना कोई कंप्लेंट करता ना कोई ठीक करता। एक्चुअली प्रॉब्लम यार पूरे सिस्टम ही है हमारे, क्योंकि यहाँ किसी को कुछ पता नहीं कि कंप्लेंट करने के लिए नंबर कौन सा है, कौन सी मतलब कॉन्टैक्ट है चाहिए। सेम मेरे साथ भी ऐसे है, मुझे अगर मैंने कंप्लेंट करनी चाहिए भी तो मुझे पता नहीं इसकी कंप्लेंट करने का नंबर क्या है, गूगल से निकालूंगा। यह चक्कर ऐसा कि किसी को कुछ पता भी नहीं, सिस्टम ही खराब है अपना, तो क्या करे अगर किसी को पता नहीं कि इमरजेंसी के लिए कौन सा नंबर कॉल करना है। आज इस वक्त तक देखो रोशनी हो चुकी है, उजाला हो चुका है, कल मैं अंधेरे अंधेरे में जिम पहुंच गया था, मतलब इतना जल्दी था। मैं कल जरूरत थी तो कोई शॉप नहीं खुली थी, आज सभी की सभी शॉप ओपन है जबकि जरूरत है ही नहीं। मेरे साथ उल्टे काम ही होते हैं। सोचा था आज मैं लगाऊंगा शोल्डर, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि शोल्डर लगा ही नहीं पाया मैं, तो मैंने फिर चेंज कर लिया प्लान। तो आज मैंने लगाई लैट्स, और लैट्स के लिए इतनी एनर्जी लगी बता नहीं सकता। शोल्डर सोच के आया था वो फिर हुआ नहीं काम। तो एक तो यार सुबह इतने लोग आते हैं यहाँ पे बता नहीं सकता मैं, बहुत भीड़ होती है। तो कई बार दिल करता है कि जिम बदलूँ, कहीं किसी और जिम चला जाऊँ यहाँ कम रश हो, लेकिन मैंने फिर सोचा नहीं अभी तो एक महीना भी नहीं हुआ लगे हुए, कम्प्लीट तो करे पहले, तो ये चक्कर है अभी। तो यार ज़्यादा भीड़ में मुझे ना अच्छा नहीं लगता, मुझे भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, इसलिए मैं कभी भीड़ वाले इलाके में जाते नहीं। यहाँ सुबह इतनी भीड़ होती है, कई सेट पे तो बारी नहीं आती, डंबल इतने ज़्यादा है फिर भी कई बार मिलते ही नहीं है, इतनी भीड़ होती है सुबह। और शाम को एक दिन गया मैं, सिर्फ 8-9 लोग थे बस। अभी मैं जस्ट कमल की शॉप में आया हूँ, तो जिम से आने के बाद मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, फिर मैं नहा धोकर तैयार होकर कहीं पे गया था। मेरी एक क्लासमेट थी पुरानी, तो उन्होंने नया घर खरीदा था तो वहाँ पर गया था ओपनिंग पे, तो अभी जस्ट वहाँ से लौटा हूँ सीधा कमल की शॉप में। तो मैंने सोचा चलो आया हूँ कमल की शॉप देख के जाऊँ कितनी रेडी होगी। सो ऑलमोस्ट पूरी रेडी हो चुकी है, अभी बस पॉलिश बाकी है इसकी, बाकी काम हो चुका है। तो ये देखो ऊपर छत जो है पूरी की पूरी तैयार है, ट्यूब्स भी लग चुकी है पूरी, और यहाँ पे अभी लगना बाकी है, बाकी ये भी रेडी है, और यहाँ पे लगेंगे शीशा, और ये बंदा भी रेडी है अभी काम करने को, और ये काउंटर पे इसने ऐसे लगवाया है पूरा यहाँ तक इतनी चीज, तो इसे भी पॉलिश करेगा तो बहुत अच्छी लगेगी उसके बाद ये। और इसी के सेम पैटर्न की जो है छत पे लगाई है ये वाली भी, और पीछे से वहां तक अभी नीचे तक जाएगी, और ये रही साथ वाली काउंटर बंद करने के लिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है, पॉलिश होने के बाद और भी ज्यादा ग्रेस देगा ये। तो भाई बहुत बढ़िया काम किया आपने, ये डिजाइन आपको कहाँ से मिला? अभी ये हो गया, ये भी हो गया पॉलिश, और यहाँ पे लगेंगे फिर शीशे, और फिर बहुत बढ़िया लगेगा। ओपन लाइट्स भी है, ये देखो हर एक में दो दो लाइट्स हैं, बहुत अच्छी लगेंगी जब ऑन होगी। लो अभी कमल लाइट ऑन करेगा, प्रॉपर लुक देगा, बाकी शीशा लगन तो बाद ये हो शो। सही है बॉस, अभी कपड़े जब रखेंगे पूरी तैयार होगी फिर अच्छी लगेगी, फिर एक वीडियो बनाएंगे उसके बाद, तो ये सब जब कवर हो जाएगा तो फिर असली जो है लुक पता चलेगी। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। तो मैं अभी घर निकलता हूँ, मुझे ऐसे फॉर्मल कपड़े पहनने की आदत नहीं है, तो घर जाके खुले डुले कपड़े पहन के तो मैं अपना काम शुरू करने वाला। सुबह से काम नहीं किया, फिर इधर को आ गया मैं फंक्शन पे, तो फिर यहाँ आ गया, तो अभी जो है मैं जा रहा हूँ वापिस काम करने के लिए। मैं पहले आयुष की शॉप में गया था तो वो जलंधर गया हुआ था, तो मेरा जो गार्ड टूट गया परसों, फोन गिरा था ना छत से, तो मैंने सोचा गार्ड डलवा लूँ, बट जो आयुष है जलंधर गया हुआ है तो शाम तक आएगा, तो ये बात भी कल पे होगी। अभी वेलकम गाइस, स्लिम ट्रिम प्रोसेस इज स्टार्ट। तो देख सकते हैं हमारी शाम की डाइट, ये है पनीर जो कि है पता नहीं कौन सी सॉस के साथ, ये है कुछ हमारी फल सब्जियों की सामग्री जो मैंने तैयार की है, इसमें डाला है हमने सेब यानी कि एप्पल, खीरा आ गया राम फल, ये मिस्टर जसी जी लेकर आए हैं शिमले से, खा के हम बताएंगे कैसा है। बढ़िया। तो यार अभी मैं काम करने वाला था लेकिन पत्थर वाले का कॉल आ गया कि पत्थर ले आना आज वो आके लगा लेगा, सो मुझे अभी जो हमने ब्रशियाल डाली थी उसके लिए पत्थर ले जाना मुझे जो है पड़ेगा, अभी लेके आना पड़ेगा पत्थर, तो वहां पर निकल रहा हूँ लेने के लिए। पास ही में शॉप है हमारे शहर से निकलते ही, जब मैं जिम जाता हूँ तो जिस मोड़ से मुड़ता हूँ उसी मोड़ पे शॉप से सभी पत्थर वाली, तो पत्थर लेके आना है, वो सीमेंट वगैरह जो हो रहा था वो लेके आना है, और वो ही लेने जा रहा था कि मेरा घर पे पार्सल भी आ गया। सो अब जो है प्रोटीन शेक अपना रह गया था
वो भी आ चुका है, प्रोटीन शेक जो मैंने ऑर्डर किया था वो रहा प्रोटीन शेक का डब्बा। तो वैसे पहले मैंने डब्बा चेक किया पूरा, नीचे से एक अलग टेप लगी है, तो मैंने कहा तो ये टेप लगी है अलग सी, तो मैंने सोचा ये क्यों है, फिर लगा कि ग्रेट फेस्टिवल चल रहा है इंडिया का, शायद पिंक कलर की दिवाली की वजह से है, पर खोल के देखते हैं चीज़ वही है ना। ओके तो पैकिंग तो वैसे मस्त की है, जीएनसी का मंगवाया, पहली बार जीएनसी का प्रोटीन शेक मंगवाया मैंने, एक्चुअली आज तक लाइफ में सिर्फ तीन ही बार प्रोटीन शेक मैंने मंगवाए, एक बार अल्टीमेट न्यूट्रिशंस का, एक बार मसल ब्लेस और एक बार अब जीएनसी। और ये देखो क्वांटिटी इतनी होती है, आधा ही डब्बा होता है, पता नहीं इतना बड़ा डब्बा क्यों देते हैं, बट देखने में ओरिजिनल लग रहा है क्योंकि पैकिंग वगैरह अच्छी है, बाकी कोड से चेक करेंगे। सो ये है जीएनसी का 100% वे चॉकलेट सुप्रीम फ्लेवर, यही सबसे बेस्ट होता है, कम मीठे वाला, और इसके अंदर हमें 24 ग्राम प्रोटीन, 5.5 ग्राम BCAA और 0 एडेड शुगर मिलेगी। टेस्ट करके देखते हैं। सो ये होता है बोला कोड, तो यहाँ से स्क्रैच करना है मुझे, स्क्रैच करके फिर मैं चेक कर सकता हूँ इसके अंदर जो कोड है उसे ऑफिशियल वेबसाइट पे फिल करके कि कितना का है, मींस ओरिजिनल है या नहीं, तो पूरी डिटेल दे देते हैं। तो ये अभी मैं स्क्रैच करके देखूंगा, कोड नहीं दिखाने वाला मैं। अरे मैं गलत था यार, क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, आई मीन डब्बे से काफी ज्यादा, इतने यहाँ तक है, मुझे लगा का मैं, पर नॉर्मली यहाँ तक होते डब्बे, ये यहाँ तक है, मतलब वाकई में ऑथेंटिक प्रोडक्ट है और क्वांटिटी भी काफ़ी है। बाकी अभी टेस्ट करके देखता हूँ, चॉकलेट सुप्रीम में बढ़िया ही होगा। अब सबसे मुश्किल काम है इसमें से स्कूप ढूंढना। 6.5 hours later Day 2 Day 3 2000 years later ये लग रहा है, आ गया ऊपर, आ गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया आ गया। तो इसका टेस्ट काफी अच्छा है, लेकिन अल्टीमेट न्यूट्रिशंस का मुझे इससे भी ज्यादा अच्छा लगता था, लेकिन अभी एक दो बार पीकर ही चीज अच्छी लगती है, ये प्रोटीन शेक वगैरह ऐसी चीज होती है, एक दो बार पियूंगे यूज होने के बाद यही अच्छे लगने लगते हैं, तो टेस्ट काफी अच्छा है यार। पत्थर ही पत्थर, पत्थर ही पत्थर। सो ये रहा ग्रेनेट वाला पत्थर जो मैंने लेना है, उसी तरह से दिखाता हूँ, रिफ्लेक्शन पूरी है आईने की तरह, सेल्फी खींच लो मैं। वेल तो अभी पत्थर वगैरह हम ले आए हैं, रखे हैं घर के बाहर, और पत्थर वाले भी आ गए और उन्होंने अपना काम भी स्टार्ट कर दिया है एज यू कैन सी। तो शटरिंग खोल दी है, वैसे शटरिंग मिस्त्री ने खोलनी थी, ये टाइल्स वाले खो रहे, मिस्त्री आए नहीं खोलने, तो उन्होंने खोल दी, फिर उन्होंने काम करना था अपना, सूख तो चुकी थी, बस अभी ये खोल के अभी यहाँ पत्थर लेंगे, वो बाहर काटने वाले हैं पत्थर। तो अभी प्रोसेस शुरू होगा टाइल पत्थर काटने का, ये रहा हमारा पत्थर, तो एक तो हमारे पास पड़ा था मेरे रूम लोग, तो ये ले जेड ब्लैक लेके आए, ये लगेगा अभी। तो यार अभी काम तो मतलब पत्थर वाला आधा हो गया, आधा कल होगा, सो अभी मैंने सोचा था कि आज हो जाएगा, बट नहीं होने वाला, वैसे भी दो दिन लगने ही थे, तो अभी कल हो जाएगा, होप कि कल हो जाए, मतलब गंदगी घर से हटे। अब शटरिंग वाले को बुलाया, वो भी बोला कि आज टाइम नहीं है, कल आएगा, तो भाई शटरिंग भी अपनी साथ ही लेके जाएगा, कल फ्री सफाई होगी, चलो अच्छा है कल हो जाए सारा काम, तो अच्छा है, प्लम्बर को भी बोलेंगे कि कल ही कम्प्लीट कर दे, कोशिश यही करूँगा कि कब तक कम्प्लीट हो जाए। सो बाय द वे अभी इस व्लॉग को ये एंड कर दे गाइस, तो मैं अभी इस व्लॉग को एडिट करके अपना कुछ काम दे लूँ, क्योंकि सुबह से मैंने काम को हाथ तक नहीं लगाया। सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग, तो मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, कॉल तब तक, टेक केयर एंड गुड बाय। लड़की बताने में संजू बन जाऊंगा।